मजाजों के उन इनकलाबों की दुनिया, फैज़ फिराकों साहिर मखदूम, मीर की ज़ौक की दागों की दुनिया। ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। पलछिन में बातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, पलछिन में रातें चली जाती हैं, पलछिन में बातें चली जाती हैं। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। रह जाता है जो सवेरा वो ढूंढे, जलते मकाम में बसेरा वो ढूंढे। जैसी बची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया, और अपना समझ के अपनों के जैसी उठा लो ये दुनिया। छिटपुट सी बातों में जलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। कटपिट के रातों में पलने लगेगी, संभालो ये दुनिया। और दुनिया वो कहे है कि दुनिया ये इतनी नहीं है, सितारों से आगे जहाँ और भी है, कि हम ही नहीं हैं वहाँ और भी हैं, हमारी हर एक बात होती वही है, हमें ऐतराज नहीं है कहीं भी। वालम है फाजल है होंगे सही ही, मगर फलसफा ये बिगड़ जाता है जो कहते हैं। आलम ये कहता वो ईश्वर है, फाजिल ये कहता वो अल्लाह है, काबिल ये कहता वो ईसा है, तो मंजिल ये कहती तब इंसान से कि तुम्हारी है तुम ही संभालो ये दुनिया। ये बुझते हुए चंद बासी चरागों, तुम्हारे ये काले इरादों की दुनिया। और ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। बगल में चांद होगा, एक बगल में रोटियां, एक बगल में नींद होगी, एक बगल में लोरियां। हम चांद पे, हम चांद पे रोटी की चादर डाल कर सो जाएंगे, और नींद से कह लेंगे लोरी कल सुनाने आएंगे, और नींद से कह लेंगे लोरी कल सुनाने आएंगे। एक बगल में खन खन आती सीपियां हो जाएंगी, एक बगल में कुछ रुलाती सिसकियां हो जाएंगी। हम सीपियों में, हम सीपियों में भर के तारे सार तार छू के आएंगे, और सिसकियों को और याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी, लाएगी तो फिर कहानी और कुछ हो जाएगी। याद रख पर कोई अनहोनी नहीं तू लाएगी,
लाएगी तो फिर कहानी और मुझ हो जाएगी और कुछ हो जाएगी। होनी और अनहोनी की परवाह किसे है मेरी जा, हद से ज्यादा यही होगा कि यही मर जाएंगे हम मौत को, मौत को सपना बताकर उठ खड़े होंगे यहीं और होने को, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे, और होने को ठेंगा दिखाकर खिलखिलाते जाएंगे। एक मुंह में चांद होगा एक बगल में रोटियां, एक बगल में चांद होगा एक बगल में रोटियां, बगल में चांद होगा एक बगल में आंखों वाली लड़की होती है। एक एक औरत के अंदर की चाह में बोलती है मचा, बोलती है मकी, कहती है अचानक वो एक दिन किसी से उड़ना चाहती हूँ मैं तो पर्वतों के पार और बादलों की छांव में, पंख दो लगा दो मेरे सर्द होते पाँव में। एक भोली भाली हिरण सी आंखों वाली लड़की होती है, एक एक औरत के अंदर की चाह में। कहती है अचानक वो एक दिन किसी से उड़ना चाहती हूँ मैं तो पर्वतों के पार और बादलों की छांव में, पंख दो लगा दो मेरे सर्द होते पाँव में। एक एक नाली हिरण सी आंखों वाली लड़की होती है, एक एक बीवी की खाली सी निगाह में। कहते हैं वो की वो मांझती है बर्तन, पोसती है बच्चे और जिसने अपने सपने भुला दिए हैं राह में, झांक करके देखो उसकी धड़कनों की थाह में। एक भोली भाली हिरण सी आंखों वाली लड़की होती है, एक एक अम्मा के सीने की पनाह में। गुनगुनाती है वो वही पुराना नगमा, रख दिया था जिसको उसने कोने में समेट कर यूं ही खाम खाह में, दब गया था जो किसी की आह में कराह में। एक भोली भाली हिरण सी आंखों वाली लड़की होती है, एक एक औरत के अंदर की चाह में। Bye.
उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, ये दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर। मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, मखमल की नाजुक दीवारें भी होंगी, कोनों में बैठी बहारें भी होंगी, खिड़की की चौखट भी रेशम की होगी, सैंडल से लिपटी हसेहन भी होगी, चंदन की खुशबू भी टपके की छत से, फूलों का दरवाजा खोलेंगे झट से, डोलेंगे मैकी हवा के हाजों के, आंखों को छू लेंगे गर्दन भिगो के, आंगन में बिखरे पड़े होंगे पत्ते, सूखे से नाजुक से पीले छिटक के, पाँवो को नंगा जो करके चलेंगे, चरपर की आवाज से वो बजेंगे, कोयल कहेगी कि मैं हूँ सहेली, मैना कहेगी नहीं तू अकेली, बत्तख भी चोंचों में हस्ती से होगी, बगले कहेंगे सुनो अब उठो भी, हम फिर भी होंगे पड़े आँख मूंदे, गलियों की लड़ियाँ दिलों में हगूंदे, भूलेंगे उस पार के उस जहाँ को जाती है कोई नगर, जाती है कोई तारों से रातें बुनेंगे तो चमकीली होगी शहर, उजला ही उजला शहर होगा जिसमें हम तुम बनाएंगे घर, ये दोनों रहेंगे कबूतर से जिसमें होगा न बाजों का डर। Just Ittefaq Group and Nishant. We request Mr. Mitul Dixit, Chairman, Adab Foundation, to present a token of gratitude to the members of Just Ittefaq Group. Mr. Mitul Dixit. We would call upon stage Ms. Jasleen Olak, Mr. Rohit Joshi, Mr. Naz, Nishant, and Ms. Polly Sugera. Thank you.
Thank you, Mr. Dixit. Thank you, Jastatafak Group. With this most mesmerizing performance, we come to the conclusion of day two of Chandigarh Literature Festival. See you all tomorrow at 10 a.m. We begin the third day with two simultaneous sessions, The Mirror of Beauty at the Lawns and Kari at the Terrace Hall. Thank you and good night.